नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 21 फरवरी 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच डिस्ट्रिक्ट वॉन स्वराज ट्रॉफी 2021-2022 फॉर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत। तो स्वराज ट्रॉफी किसने जीती है, किसके लिए? तो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत के लिए तो आंसर होगा कोल्लम, और आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, नितिन गडकरी लेड फाउंडेशन स्टोन फर्स्ट दिव्यांग पार्क ऑफ विच स्टेट। तो नितिन गडकरी ने किस राज्य के पहले दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है? आंसर होगा ये महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र में नागपुर में इसकी आधारशिला नितिन गडकरी जी के द्वारा रखी गई, जो कि हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के नागपुर में दिव्यांग पार्क अनुभूति इंक्लूसिव पार्क की इनॉग्रेशन रखी गई, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट यूनिक दिव्यांग पार्क होगा। ध्यान रखिएगा, अब भारत का तो ये पहला है ही। ठीक, चलिए आगे बात करें तो जो भी रिसेंटली में हमारे राज्यों से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, राजस्थान जिसने 13,000 करोड़ रुपए ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के लिए अलोकेट किए, जिसको यहाँ के चीफ मिनिस्टर के द्वारा बोला गया केंद्र सरकार से कि इसको नेशनल प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया जाए, जिससे कि उनके ऊपर बोझ कम इसका पड़े। इससे 13 डिस्ट्रिक्ट को पानी की जो कमी है उससे दूर किया जा सकता है राजस्थान में। नागालैंड गवर्नमेंट ने पतंजलि फूड लिमिटेड के साथ डेवलपमेंट किया और MOU साइन किया, जिससे कि डेवलप कर सके पाम ऑयल कल्टीवेशन को अपने राज्य में। उत्तर प्रदेश जिसने आरोहिणी इनिशिएटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम को अपने यहाँ पर स्टार्ट किया। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने मंथली अलाउंस अनएम्प्लॉयड यूथ को अनाउंस कर दी है। ईयर ऑफ एंटरप्राइजेस केरला के द्वारा ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिनके द्वारा नेशनल जीनोम एडिटिंग ट्रेनिंग सेंटर को मोहाली पंजाब में इनॉग्रेट किया गया। उड़ीसा को यूनाइटेड नेशन हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 के लिए 2023 अवार्ड मिला है। किसके लिए? तो जगह मिशन के लिए। उत्तराखंड की गवर्नमेंट जिसने अबॉलिश कर दिया है रिवेन्यू पटवारी पॉलिसिंग सिस्टम को। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। तो विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? आंसर होगा ये ऑर्गेनाइज ये किया जा रहा है जयपुर, राजस्थान की कैपिटल जयपुर में। ध्यान रखिएगा, इसे RPF के द्वारा, इंडियन जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है उसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। 18वें नंबर का ये वर्ल्ड सिक्योरिटी काउंसिल है 2023 का, जिसको जयपुर में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, 21 से लेकर 23 फरवरी तक इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। ठीक, और यहाँ पर बात की जाए तो सेफ्टी से रिलेटेड यहाँ पर मेन फोकस रखा जाएगा। इसको कौन कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है तो मैंने आपको बता दिया, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF, साथ साथ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे के द्वारा मिलकर इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। इसके 4 सेशन ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे, जिसमें सेफ्टी ऑफ क्रिटिकल एसेट एंड गुड्स है, ह्यूमन सेफ्टी अप्रोचेस सेकेंड हो जाएगी, तीसरी बेस्ट रेलवे सेफ्टी इक्विपमेंट एंड प्रैक्टिसेस अराउंड द वर्ल्ड होगा, और चौथा विजन 2023। ये 4 सेशन इसको ऑर्गेनाइज होंगे। इसकी थीम रेलवे सेफ्टी स्ट्रेटजी रेस्पॉन्सेज एंड विजन फॉर द फ्यूचर, इसकी थीम रखी गई है। ध्यान रखिएगा, इसको पहले 2006 में ऑर्गेनाइज कराया गया, फिर 2015 में RPF इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया, ध्यान रखेंगे, नई दिल्ली में। ठीक, यहाँ पर बात करें RPF की तो RPF के डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है? तो संजय चंदर जी डायरेक्टर जनरल हैं। इसको फॉर्म किया गया था 1957 में, ध्यान रखिएगा। अगर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस
फ्रांस में है, जिसको फॉर्म किया गया था 1922 में। आगे बात करें, अगर आप इसी प्रकार से अपनी स्टैटिक जीके वाले पोर्शन को भी बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस ईबुक को परचेज कर लीजिए, जिससे कि आपका स्टैटिक जीके वाला पोर्शन भी कवर हो जाए। और इसमें ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर किए गए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए गए हैं। साथ साथ हमारी मेल आईडी आपको यहां दिख रही होगी, इस पर आप मेल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा सकते हैं, अगर आप इसको डाउनलोड या कोई भी चीज में आपको प्रॉब्लम होती है तो। चलिए स्टार्ट करें अगला क्वेश्चन है, नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट विल बी सेटअप इन विच स्टेट। तो उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आंसर है हरियाणा में स्थापित करने की अनाउंसमेंट कर दी गई है। हरियाणा में भी कहां तो गोरखपुर सिटी है एक, वहां पर इसको स्थापित करने की घोषणा की गई है। ये नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट होने वाला है। ठीक, यहां पर बात करें भारत के पास कितने पावर प्लांट है, तो आप यहां पर देख पाएंगे भारत के पावर प्लांट जैसे रावत भाटा जो कि राजस्थान में है, लोकेशन आपसे पूछ ली जाती है, तारापुर पहला अगर आपसे पूछा जाए पावर प्लांट कौन सा है न्यूक्लियर पावर प्लांट तो तारापुर, और ये महाराष्ट्र में उपस्थित है, कुंडकुलम तमिलनाडु में है, काकरापारा गुजरात में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, न्योरा उत्तर प्रदेश में है और कैगा कर्नाटका में है। तो ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज द वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस ऑब्जर्व एवरी ईयर। तो सामाजिक न्याय का विश्व दिवस हर साल कब मनाया जाता है? आंसर होगा ये हर साल 20 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, 20 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। ध्यान रखेंगे इसकी थीम क्या है, तो ओवरकमिंग बैरियर्स एंड अनकवरिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल जस्टिस इसकी थीम रखी गई है। अगर इसकी बात करें तो इसको कौन ऑर्गेनाइज कराता है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है। इसकी अनाउंसमेंट 2008 में की गई थी, पहली बार इसको 2009 में ऑब्जर्व किया गया था। ठीक, चलिए आगे बात करें, तो जो भी इंपॉर्टेंट डेज है उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, दूसरा अगर वर्ल्ड पेंगोलिक डे की बात करें तो 18 फरवरी को ऑब्जर्व हुआ, इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे की बात करें तो 15 फरवरी को ऑब्जर्व हुआ, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 12 फरवरी, वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी जिसकी थीम रेडियो एंड पीस है, 11 फरवरी को वर्ल्ड यूनानी डे जिसकी थीम यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ है, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस को 11 फरवरी को ऑब्जर्व किया गया, 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे जिसकी थीम पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर है, वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को ऑब्जर्व किया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, खजुराहो डांस फेस्टिवल बिगिन इन विच स्टेट। तो खजुराहो डांस फेस्टिवल किस राज्य में ऑब्जर्व किया गया? आंसर होगा ये मध्य प्रदेश में, आपको पता है ये साइट भी अवेलेबल है और मध्य प्रदेश में ही इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। तो खजुराहो डांस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कराया गया जिसमें भारतीय कलाकारों ने अपना कला का प्रदर्शन किया है। ये 49th नंबर का डांस फेस्टिवल था जिसको खजुराहो में 20 फरवरी को ऑब्जर्व किया गया। इसके इनॉग्रेशन की बात करें तो मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई सी पटेल, उनके द्वारा मंगू भाई सी पटेल जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। 26 फरवरी को ये इसका समापन होने वाला है, ध्यान रखेंगे। इसमें अलग अलग कला के जो मतलब डांसेस हैं उनको प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही है। इसको ऑर्गेनाइज कौन करा रहा है, तो उस्ताद अलाउद्दीन खान एकेडमी ऑफ म्यूजिक आर्ट, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वर्ल्ड डांस अलायंस और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करा रही हैं। ठीक, G20 चल रहा है भारत में, तो पहली मीटिंग कल्चरल वर्किंग ग्रुप की भी यहीं पर रखी गई 23rd से 25th फरवरी तक। ठीक, चलिए आगे बात करें, तो मध्य प्रदेश के और दूसरे फेस्टिवल कौन कौन से हैं उनको रिवाइज करते हैं। जैसे लोकरंग फेस्टिवल भोपाल में ऑर्गेनाइज कराया जाता है, अखिल भारतीय कालिदास समारोह उज्जैन में ऑर्गेनाइज कराया जाता है, भगोरिया हार्ट फेस्टिवल जो कि वेस्ट निमार या खारगांव
या जबुआ में ऑर्गेनाइज कराया जाता है, उज्जैन कुंभ मेला उज्जैन में ऑर्गेनाइज कराया जाता है, मालवा उत्सव इंदौर या फिर उज्जैन में ऑर्गेनाइज कराया जाता है, चेतियागिरी और विहारा फेस्टिवल को सांची में ऑर्गेनाइज कराया जाता है, तानसेन संगीत समारोह को ग्वालियर में ऑर्गेनाइज कराया जाता है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट इंडिया उज्बेकिस्तान बाइनियल मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज दस्तलिक 2023 वाज ऑर्गेनाइज्ड। तो दस्तलिक नाम की एक्सरसाइज भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है 2 साल में एक बार। इसको इस बार कहाँ ऑर्गेनाइज कराया जाएगा? तो आंसर होगा इसको उत्तराखंड में ऑर्गेनाइज कराने की अनाउंसमेंट की गई थी। तो याद रखिएगा, अगर दस्तलिक की बात करें तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में ये होने वाली एक्सरसाइज है, जिसको 2019 से स्टार्ट किया गया था, 2021 में फिर ऑर्गेनाइज कराया गया रानीखेत में, और थर्ड एडिशन इसका हुआ 2022 में, 2023 में इसका फोर्थ एडिशन ऑर्गेनाइज कराया गया। इसका पर्पस क्या है? तो दोनों देशों की जो मिलिट्री है उनके बीच में कॉपरेशन और इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। ध्यान रखेंगे, इस बार इसको 21 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। कहाँ? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। ध्यान रखिएगा, फोर्थ एडिशन है ये दस्तलिक जो एक्सरसाइज है उसका। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फर्स्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड टू स्कोर द फास्टेस्ट 25,000 रन्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले कौन भारतीय प्लेयर बने हैं? और आंसर होगा कोई और नहीं, ये भारतीय विराट कोहली है। विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच खेलते हुए 25,000 रन अपने जो इंटरनेशनल लेवल क्रिकेट है उसमें कंप्लीट किए हैं, और सबसे फास्टेस्ट इन्होंने 25,000 रन पूरे किए हैं। इसके लिए इन्होंने 549 जो इंटरनेशनल इनिंग्स हैं वो ली हैं। अगर बात करें रिकी पॉन्टिंग की, तो रिकी पॉन्टिंग ने तेज रन बनाने में 25,588 इनिंग ली थी। जैक कालिस की बात करें, जो कि साउथ अफ्रीका के प्लेयर थे, इन्होंने 594 इनिंग को लिया था। ठीक, तो ध्यान रखिएगा पहले नंबर पर कौन है? विराट कोहली। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री लिफ्ट्स बैन ऑन फ्रोजन सी फूड फ्रॉम इंडिया। किस देश ने भारत से जमे हुए समुद्री भोजन जो आता था उस पर प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर होगा ये कतर के द्वारा किया गया। कतर के द्वारा कंप्लेन की गई कि जो फ्रोजन भारत की तरफ से सी फूड आता है वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, प्लस उसकी जो मतलब एक्सपोर्ट करने के बाद बहुत सारे जो केमिकल्स हैं उसकी वजह से वो खराब मतलब हेल्थ इफेक्ट डाल रहा है, जिसकी वजह से कतर ने इसका एक्सप्लेनेशन मांगा है और टेम्परली बैन कर दिया है इसको कि अभी इम्पोर्ट अब हम भारत से नहीं करने वाले हैं। और भी बहुत सारे रीजंस बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी इतना ही रीज़न नॉर्मली है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ने बताया है। और भी बहुत सारे रीजंस हैं कि अलग अलग रीजंस की वजह से एक बैन किया गया है। यहाँ पर बात करें कतर की, तो कतर की कैपिटल दोहा है, प्रेसिडेंट यहाँ के तमीम बिन हमाद अल थानी है, करेंसी यहाँ की रियाल है। आगे बात करें, और रिसेंटली में मैंने ये भी लगाया हुआ है कि चाइना ने भी भारत के यहाँ से सी फूड को एक्सपोर्ट से मना कर दिया है, तो ये भी एक न्यूज़ है, इससे लिंक करके कुछ न्यूज़ वाले अलग अलग बातें लिख रहे हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द थर्ड फेज ऑफ सागर परिक्रमा। आंसर होगा ये किसके द्वारा? तो आंसर है यहाँ पर ये पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। ये केंद्रीय मंत्री हैं हमारे पुरुषोत्तम रूपाला, उनके द्वारा जो ये सागर परिक्रमा है उसका तीसरा संस्करण लॉन्च किया गया। ध्यान रखिएगा, पुरुषोत्तम रूपाला की जब बात करेंगे तो ये कौन है? आंसर होगा ये हमारे फिशरीज के मिनिस्टर हैं। ठीक, इनके द्वारा सागर परिक्रमा के थर्ड फेज को सूरत से हजीरा पोर्ट है वहां से इनॉग्रेट किया गया। ध्यान रखिएगा 21 तक ये इसका कंक्लूड होगा, 3 दिन की पूरी परिक्रमा है जिसको मुंबई में ख़त्म किया जाएगा। ठीक,
आज के क्विज की बात करें तो विच टीम बीट बंगाल बाय 9 विकेट टू बैग सेकेंड रणजी ट्रॉफी टाइटल, तो किसने रणजी ट्रॉफी जीत ली, कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा, किसको हराकर जीती ये भी बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।